आज हमारी सिटी के अंदर आ चुके हैं शिनसोनिक शॉक और साइरन हल्क। इनका होने वाला है आपस में बहुत बड़ा फाइट। फ्रैंकलिन को घायल करके ये करते हैं फाइट, और ये सामने पेड़ वाला हाउस यहाँ पर क्या कर रहा है आज की वीडियो में हम बिल्कुल यही देखेंगे। तो क्या साइरन हेड फ्रैंकलिन को बचा पाएगा शिनसोन की चंगों से? भाई तो एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गाइस सुबह के टाइम है, तो यार आज मैंने ना अपना एक गाड़ी दिया था सुप्रा कार, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। वो भी हमारे शायद भाई के पास है, शायद भाई कोई आम नहीं, सलाजीत ड्रिंक का मालिक शाहिद अनवर भाई जो ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी का मालिक है भाई, मतलब किंग है भाई, मालिक तो नहीं कह सकते, किंग कह सकते हैं भाई। तो उसी के तरह हमने एक गाड़ी भी परचेज की हुई, बट कार तो एक ही है अभी ना, निंजा S2R का। वैसा कि निंजा S2R को तो हमने बेच डाला क्योंकि इसका मैक्सिमम लगभग पाकिस्तानी प्राइस में आता है 2 करोड़। भेज दिया है, कोई बात नहीं भाई, इसको हम जल्दी लेंगे दोबारा, तो कोई बात नहीं है भाई, बाय बाय कर रहे हैं अभी एक। तो भाई इस गाड़ी का जो है मैक्सिमम प्राइस आप लोग को बता दें भाई, 6 करोड़ का हमने खरीदा है, बट ये न्यू नहीं है गाइज, तो इसका ना लगभग न्यू प्राइस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा 10-10 करोड़ का। तो भाई हम इसके कलर वगैरह हम अपने मोबाइल में चेंज कर सकते हैं, अभी ना हम ब्लैक कलर में ले रहे हैं क्योंकि ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस गाड़ी है, तो ये ब्लैक कलर में आप लोग गेम के मतलब मोबाइल के अंदर आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ऑलराइट, तो गाइज अभी ना मैं जाने वाला हूँ अपने दोस्त के पास, उसको दोस्त को सरप्राइज देंगे, बट दोस्त का घर होने वाला है 84 पार्क के उस साइड। तो बॉयज लेट्स गो यार, अपने सुपर कार को भाई लेकर चलते हैं 84 पार्क के उसे, बट वो रास्ता थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि 84 पार्क क्योंकि कोई बहुत बुरा नाम है, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत कम जाता हूँ, मॉन्स्टर वगैरह वहाँ पर रहते हैं कहते ऐसे हैं, बट मैंने डायनासोर तो देखे हैं, मॉन्स्टर मैंने कभी नहीं देखा उधर। तो लेट्स गो बॉयज, अभी ना मैं उसी साइड जा रहा हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोगों को याद आया यार तो लाइक भी करें यार, मुझे तो याद ही नहीं था, अब याद आ गया भाई, लाइक तो जरूर होना चाहिए अभी वीडियो की। तो लेट्स गो यार, अभी ना तो बॉयज मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बस आगे है मेरे दोस्त का वो। अरे भाई यहाँ पर आज कल मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कम हो चुका है, पता नहीं क्यों, या फिर एडवांस गाड़ी जा रहा है इसीलिए, बट मुझे कुछ भी नहीं पता भाई इनके बारे में। लेकिन तो भाई यहाँ पर ना थोड़ा सा बस आगे मेरा दोस्त का। साला ये ड्रिफ्ट भी मार रहा है भाई, क्या मस्त ड्रिफ्ट मारा भाई। अरे भाई सब, मुझे ड्रिफ्ट स्पोर्ट कार का ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, मेरा ड्रीम है स्पोर्ट्स कार लेना और ड्रिफ्ट मारना भाई, मजे ही करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो बस जो मेरा गाड़ी का ना हालात आप लोग देख सकते हैं भाई, पीछे भी इसका बम्पर टूट गया है और आगे वाला जो डिगी है मतलब वो ये भी टूट गया है भाई, और आप लोग देख सकते हैं भाई मेरा कलर भी गाड़ी का चेंज है क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे डांटा है क्योंकि कहता है कि अभी कभी जाकर गाड़ी का कलर भी चेंज करो, और मेरा एक्सीडेंट भी बहुत बुरी तरीके से यहीं पर हुआ था भाई जिस टाइम मैं आ रहा था, शाम का टाइम है। तो बस ये क्या है भाई, जिस टाइम मैं जा रहा था बट मैंने ये तो नहीं देखा भाई, ये तो एक मम्मी का वो होता है भाई, जो मम्मी वगैरह इसके अंदर बोते हैं ना। अरे भाई ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, खून वगैरह भी इसके लगे हुए हैं, वीडियो है बट खून भी लगे हुए हैं यार, काफी ज्यादा भाई डेंजरस सीन है भाई, ये कुआं भी पता नहीं अभी निकल एक ये व्हेन देयर पता नहीं क्या लिखा भाई, अरे भाई अरे भाई इतना डेंजरस लव लिखा हुआ है भाई, अरे मुझे पढ़ने में भी काफी, अरे भाई ये क्या चीज है, अरे भाई इतना डरावना, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा यार। अरे भाई साहब, अरे भाई यार पता नहीं मैं किस तरह होश में आ चुका हूँ, बट ये ना मेरा गाड़ी तो भाई मुझे वहां पर मिल गया था, पता नहीं मुझे किसी ने मार दिया, पर बेहोश था मैं अभी ना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, बट मैं पता नहीं क्यों भाई मैंने ये गाड़ी तो मुझे ये परचेज किया हुआ था मैंने, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी की सब चीज उड़े हुए क्यों है, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, या फिर मेरा एक्सीडेंट उधर ही हुआ या फिर उससे पहले हुआ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा एक्सीडेंट उधर ही हुआ लेकिन किसी ने मुझे बचाने के लिए हिम्मत ही नहीं किया। अभी ना मेरा सर पे काफी ज्यादा दर्द है, बट मैं अभी ना घर पे जाऊंगा, थोड़ा सा बस आराम ही करूंगा, कल होने का इंतजार। अरे तो भाई यार अभी मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ कल सबसे पहले सोने के लिए घर में। अरे भाई अच्छा हुआ कि मैं अभी ना गाड़ी से उतर दूँ, अच्छा हुआ कि मैं घर पहुंच गया भाई सेफली। अरे भाई काफी ज्यादा सर में दर्द है, तो सुबह उठ भाई देखेंगे भाई बाहर जाएंगे चक्कर चक्कर के लिए, अभी ना मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द है भाई। अभी ना मेरे सामने ये टीवी खुला हुआ था, तो मैंने देखा भाई एक मॉन्स्टर भाई, मतलब इसका नाम था भाई हल्क, साइरन हल्क भाई, काफी ज्यादा डेंजरस है, बट इसके साथ ड्रैगन वगैरह डायनासोर वगैरह के साथ खेल रहा है भाई, पता नहीं ये कभी नया कौन सा मुसीबत है भाई, मुझे 84 पार्क में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए भाई, लेट्स गो। तो भाई साहब अभी ना 84 पार्क की जाना पड़ेगा क्योंकि 84 पार्क में ना हम लोग को वो मिलने वाला है,
तो भाई बिना देरी किए हुए हम चौरासी पार्क में जाते हैं। अभी ना मुझे को लगता है कि अपना स्पोर्ट्स कार है ना, ये इसी को इधर ही रखेंगे, क्योंकि हमारा दोस्त जो चिंटू है ना, ये इसी को बनाने के लिए, अरे भाई इसका मोड काट लेते हैं, ये ना चिंटू घेर वगैरह पे डाल के भाई आगे ठोक ना दे, पहले से इसका हालत खराब है ये ना, बाद में इसका और खराब करे। हम अपने डिफेंडर को लेके ना चौरासी पार्क में जाएंगे और वहां पर देखेंगे भाई क्या सच में सायरन हेल्क आया हुआ है, तो उसके बाद ना हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई सायरन हेल्क कहाँ पर है, तो भाई ये कैसा शख्स है, मतलब लड़ने के लिए आया है या फिर मुसीबत है या फिर कोई आसान चीज़ है भाई हमारा दोस्त बनने के लिए आया है, क्योंकि वो डायनासोर के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे कि भाई उनका। बट अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई के चैनल को, जल्दी से जल्दी अपने भाई को। अबे भाई साला क्या हो गया भाई, अच्छा हुआ कि मैं इतना स्पीड के साथ यहाँ पर आ रहा था ना, मैंने सोचा अभी ना आगे कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पर चौक था और मेरा गाड़ी ना एक गाड़ी से ठुक गया था। तो भाई अभी ना क्या कह रहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें भाई, आप लोग की भाई की चैनल मोनेटाइज हो चुका है पेरेंट, तो भाई जल्दी से जल्दी भाई वीडियो को वॉच करें, वो जो ऐड आता है ना उसको पूरा का पूरा देखिए। तो जल्द आप लोग की भाई ना इंशाल्लाह अगर थोड़ा बहुत अर्निंग आया तो आप लोग की भाई GTA 5 की सीरीज बनाएगा और GTA 6 भी लॉन्च होने वाला। अरे भाई एक मिनट, ये क्या था भाई, अरे भाई किसी साले ने भाई रोड के बीचों बीच में बाइक ही खड़ा कर दिया, अरे भाई काफी खतरनाक सीन रहा, तो मैं हैरान हूँ कि बाइक किसने खड़ा किया। हाँ तो भाई हम कहाँ थे, हम कह रहे थे GTA 5 लॉन्च होने वाला, तो इसलिए आप लोग की भाई GTA 5 भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी लाइव स्ट्रीम करेगा भाई GTA 5 का आने वाले साल के अंदर भाई। तो भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, अभी ना हम चौरासी पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि मैं अपने डिफेंडर से नीचे उतर गया हूँ, क्योंकि वो डायनासोर का आवाज देख के ना वो सामने पीछे आ जाते हैं भाई गाड़ी का आवाज सुन के। अरे भाई ये गेट पता नहीं बंद क्यों नहीं हो रहा, लग चुका है। अरे तो भाई ये काफी ज्यादा अच्छा सायरन हेल्क है, क्योंकि इसके दांत वगैरह जो है ऊपर हैं, बट ये काफी ज्यादा अच्छा है भाई, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखिए भाई इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया भाई, मुझे अपने कंधे के, अरे भाई ये क्या है, अरे भाई इसने तो मुझे अपने कंधे के ऊपर बैठा दिया, अरे वो चीज क्या है भाई, इसको मैंने कहीं देखा था भाई, अरे भाई कहाँ देखा है, अरे भाई मैं जिस दिन बेहोश हुआ था ना रात के टाइम, मैंने इसको उधर ही देखा है। और ये सायरन हेल्क ना नीचे की साइड क्यों, अबे भाई दोबारा ऊपर उठ रहा है, ये कुछ आपस में फाइट तो नहीं करने वाले भाई, अरे बाप रे बाबा यार ये तो मुझे गिरा ही देगा यार सायरन हेल्क। और भाई दूसरा तो भाई यार ये सनशाइनिंग, इसका नाम है सनशाइनिंग टोन, तो ये हमारे हेल्क सिटी के अंदर आ चुका है भाई, अरे भाई साहब, अरे भाई इसने तो हेल्क को मार ही दिया, अरे भाई साहब ये सनशाइनिंग टोन पूरी बिल्डिंगों को तबाह कर रहा है, गिरा रहा है यार, इसने तो सायरन हेल्क को मार ही दिया यार, अबे बाप रे बाबा।